महाभारत की रचना महाकाव्य रूप में हुई। इसे भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ भी कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़े इस महाकाव्य ग्रंथ में लगभग 1,00,000 श्लोक भी हैं। चाहे आज महाभारत काल को बीते हुए सदियां बीत गई, परंतु महाभारत काल से संबंधित शहर व गांवों का अस्तित्व आज भी मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि उस समय के कई शहरों के नाम आज भी उसी नाम से पहचाने जाते हैं। वहीं धरती के गर्भ में आज भी उस काल के अवशेष का मिलना महाभारत काल को प्रमाणित करता है। महाभारत काल के कौन से शहर आज भी हैं मौजूद? महाभारत काल के कुछ नगर, शहर, गांव और जनपद वर्तमान समय में भी मौजूद हैं, परंतु कुछ के नाम समय के साथ बदल गए हैं। महाभारत काल में पुकारे जाने वाले मथुरा, काशी, जगन्नाथ, द्वारिका, बद्रीनाथ, गंगोत्री, सोमनाथ, कुरुक्षेत्र शहर आज भी मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र सहित कई नाम आज भी प्रचलित। कुरुक्षेत्र का नाम आज भी कुरुक्षेत्र ही है। मौजूदा समय में यह हरियाणा राज्य का एक जिला है। कुरुक्षेत्र के पास अभिमन्युपुर आज अमीन के नाम से जाना जाता है। जयंता नाम का क्षेत्र आज जिला, पानीप्रस्थ अब पानीपत, सोनीप्रस्थ अब सोनीपत, व्याघ्रपथ अब बागपत बन गया है। यूपी के बागपत की जमीन से महाभारत काल के प्राचीन अवशेष भी निकले हैं। बागपत से तो 4,000 वर्ष पुराना रथ भी मिला है। बागपत किसी समय में हस्तिनापुर राज्य का एक हिस्सा था। भूमि से निकले रथ और उसके पहियों में अच्छी क्वालिटी का तांबा लगा हुआ है, जो हजारों साल बाद भी सुरक्षित है। मथुरा के नाम में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पांडवों को मिले 5 गांवों के नाम। बागपत जिले का गांव बरनावा, हिंडनी और कृष्णा नदी के संगम पर मेरठ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन गांव वारनावत है। गौरतलब है कि पांडवों को दुर्योधन ने 5 गांव पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और वरुपत प्रदान किए थे। बरनावा गांव में महाभारत काल का लाक्षाग्रह टीला है। यहीं पर एक सुरंग भी है। यहाँ की सुरंग हिंडनी नदी के किनारे पर खुलती है। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, जबकि मेरठ को हस्तिनापुर कहा जाता था। यमुना नदी के पास स्थित दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व विज्ञानियों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर थी। दूसरी ओर कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। दिल्ली का लालकोट क्षेत्र राजा पृथ्वीराज की 12वीं सदी के अंत में राजधानी थी। लालकोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लालकोट का किला कहा जाता है। बाद में लालकोट का नाम बदलकर शाहजहानाबाद कर दिया गया। गांधार जनपद के क्षेत्र अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा। गांधार जनपद के क्षेत्र वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा है। पहले गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र ही गांधार राज्य के अंतर्गत आता था। गांधार का अर्थ होता है सुगंध। महाभारत में गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। महाभारत काल के प्रमुख नगर तक्षशिला रावलपिंडी के पास, अवंतिका उज्जैनी, हस्तिनापुर मेरठ, बरनावत बागपत, वृंदावन मथुरा, इंद्रप्रस्थ और खांडवप्रस्थ वर्तमान दिल्ली, पेशावर पुरुषपुर, पांचाल हिमालय और चंबा नदी के बीच का स्थान, अंग प्रदेश भागलपुर, मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराट वर्तमान समय में बैराट राजस्थान के जयपुर जिले का एक शहर है, द्वारिका गुजरात के समुद्र तट पर शहर है जो आज भी महाभारत काल की याद को जीवंत करते हैं। इसके अलावा मथुरा, अयोध्या, द्वारिका, कांची, उज्जैन, रामेश्वरम, प्रयाग, पुष्कर, नासिक, सारनाथ, कुशीनगर, त्रिपुरा, गोवा, महाबलीपुरम, कन्याकुमारी, श्रीनगर, गंधार आज भी इसी नाम से पहचान रखते हैं। काशी को वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है। सो दोस्तों, यह थी महाभारत काल से संबंधित शहरों और गांवों से जुड़ी जानकारी। खास बात यह है कि इनमें से कई शहर आज भी उसी नाम से पहचाने जाते हैं। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।